शुरू करते हैं। तो देख सकते हो मैंने इस तरह से भाई कटिंग कर ली है। तो भाई इसको रख देते हैं साइड में। इस तरह से मैंने दो कटिंग की है और ये देख सकते हो मैंने इस तरह से भाई बक्सा भी बनाया है। ये देख सकते हो आपको बक्सा भी बनाना है तो इसके नीचे के साइड में नहीं, सॉरी ऊपर के साइड में हम इसका सब बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे। तो देख सकते हो मैंने इतने सारे भाई कटिंग कर दिए। तो इसका ये वाला पीस है इसको रख देते हैं। ये देख सकते हो मैंने इस तरह से दो बनाए और इस तरह से दो बनाए। ये कहाँ कहाँ लगने वाले मैं आपको आगे बताऊँगा, दिखाते जाऊँगा मैं किस तरह से भाई बनाना। देख सकते हो ये दो वाले भी बना, मतलब कि ये मैंने दो भी कटिंग कर दिए। और ये एक वाला क्या है, ये एक वाला भाई इससे इसके नीचे लगेगा, ये के ही काफ़ी है। तो बाकी वे दो दो किस तरह से लगेगा आपको दिखाते हैं। इसको रख देते हैं साइड में। ये दो वाले है ना, ये दो वाले भाई इसके नीचे के साइड में इस तरह से लगा रहे। तो देख सकते हो इस तरह से भाई लगेगी। और ये वाला है ना, ये अंदर के साइड में इस तरह से भाई लगेगी। मैं अपडेट कट किया हूँ इस तरह से, आप देखो भाई आपके हिसाब से आप कट कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये देख सकते हो ये बाहर वाला है, इस तरह से मैंने दो बनाए और ये अंदर वाले दो भी बनाए। इस तरह से भाई देख सकते हो कुछ, तो इतने सारे मैंने कट कर दिए। और ये देख सकते हो ये बक्सा है, इसके ऊपर की साइड में जो हम लगाने वाले हैं इसको हम अभी नहीं फिक्स करेंगे, उसके ऊपर हम सिस्टम बनाएंगे। जो आगे पीछे करता है वही इसके ऊपर बनाएंगे। तो ये देख सकते हो ये भी मोटर का यूज़ कर सकते हो और ये भी मोटर का यूज़ कर सकते हो। मैं इस मोटर का यूज़ करने वाला हूँ, आप उस वाले मोटर का भी यूज़ कर सकते हो। साइज भाई छोटा करना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है। इसके मिडिल पॉइंट में आपको छेद निकालना है। हमें इस तरह से भाई मोटर फिक्स नहीं कर सकते, आपको मोटर जितना होल नहीं करना है उससे बड़ा करना है। क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ आगे। तो ये एक देख सकते हो इस तरह से मोटर है, हम इसके आगे की साइड में जो बना रहे हैं उस सर्फे के लिए भाई ये महत्व का है भाई, इसके बिना ये काम नहीं करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा। तो देख सकते हो मैंने कॉपर का पाइप लिया है, आपको वैसे ही लेना है, कॉपर का यानी लोहे का लेना है, इससे भाई करंट उसमें आ जाए, अच्छे से लेना है। आपको कोई भी पाइप इस्तेमाल नहीं करना है, जैसा हो कि फाइबर का, प्लास्टिक का, कोई भी पाइप यूज़ नहीं करना है। तो इस भाई इसको हम इस तरह से भाई फिनिशिंग दे देंगे, यानी भाई इसका जो गंदा है हम इसको साफ कर देंगे कुछ इस तरह के से। और इसके करने के बाद ये देख सकते हो भाई ये हमारा बन गया है भाई, माइनस वाला पॉइंट बन गया है। और अब इसका प्लस वाला भी बनाएंगे। तो इसको मैं कट करके पहले दिखा देता हूँ, भी आपको समझाता हूँ मैं कि प्लस और माइनस का मैं क्या बात कर रहा हूँ। जो हमने ये कट किया था भाई उसके उसको चिपकाने से पहले हम इसमें भाई इस तरह से भाई पेपर लगा देंगे, उसके साइज का ही पेपर आपको कट करना है। और उसका मैं जैसा ही लगा रहा हूँ आपको वैसा ही लगाना है। आपको वीडियो देखते हुए आपको बनाना है, आप बनाना चाहते हो तो पहले मैं इसको इस तरह से भाई चिपका दूंगा। ये देख सकते हो भाई ने इस तरह से चिपका दिया है और ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में भाई इस तरह से भाई रहा है। जैसा हमें जो मैंने पन्नी लगाई है उसके ऊपर आपको लगाना है। वह ध्यान रखना है कि आपको ये जो कॉपर का पाइप है उसके ऊपर ये टच नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसा भाई प्लस और माइनस का हम ध्यान रखते हैं वैसे ही भाई इसको ध्यान रखेंगे। तो पहले तो मैं इसको चिपका कर आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से भी चिपकाता हूँ। ये देख सकते हो मैंने इस तरह से भाई चिपका लिया है। ये भाई आगे काम में आएगा, आपको बताता हूँ इसका भाई इसका फ़ायदा। तो ये देख सकते हो इस तरह से हम इसमें मोटर में इस तरह से फिक्स करेंगे, बाद में हम अभी नहीं करेंगे। पहले तो क्या कर लेते हैं इसका जो बॉटम है इसको ले लेते हैं। ये देख सकते हो अभी इसके बॉटम में हमें मोटर फिक्स करेंगे। इसके लिए मैंने ये ख़राब बैटरी ली है, अब कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास बैटरी पड़ी थी, मैंने इसका यूज़ किया है। इसको भी मैं आपको फिक्स करके दिखाता हूँ मैं किस तरह से करता हूँ, आसानी आप देखो पहले मैं फिक्स करता हूँ। भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। और ये देख सकते हो भाई कॉपर का पाइप है, उसका आगे की साइड में हमारा दो टर्मिनेटर निकलेगा, एक प्लस का और एक माइनस का, और एक नीचे की साइड में निकलेगा। इससे हमारा जो बीच में वाला जो भाग है हम इसमें बॉटम लगाएंगे। जैसे हमारे ऊपर की साइड में प्लस और माइनस आएगा और नीचे की साइड में प्लस और माइनस आएगा। भाई मोटर पर पूरा लोड पड़ने वाला है, इसलिए मैंने अच्छे से चिपका कर आपको दिखाया है। ये देख सकते हो इस तरह से भाई चिपका है। अब इसके कनेक्शन पर आते हैं, मैंने दो भाई मोटर के कनेक्शन कर दिए, दो वायर आपको निकालना है। तो इसको अच्छे से चिपकाने के बाद ये देख सकते हो मैंने दो ब्लेड लिए। भाई इसका दो ब्लेड क्यों लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। दो तो लिए हम इसमें का एक ही यूज़ करने वाले, तो इसको इस तरह से भाई निकाल लेंगे। भाई आपको सावधानी से निकालना है, मुझको बहुत चोटी आई है, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने अच्छे से भाई सावधानी से निकाला है। मुझको थोड़ा थोड़ा लगा है, मैंने आपको दिखाया नहीं है,
तो इस तरह से वो इसमें एक वायर सोल्डरिंग कर लेंगे और दूसरे में भी सोल्डरिंग कर लेंगे और इसको भी इस तरह से चिपकाना है, एक ऊपर के साइड में और जो मैंने नीचे के साइड में बनाया है उसके साइड में, और एक प्लस और माइनस का इस तरह से बनेगा, देख सकते हो। इतना ही कि भैया ब्लेड है ना आपस में नहीं चिपकना चाहिए, प्लस और माइनस का जैसा हम ध्यान रखते हैं वैसे आपको बनाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बनाने के बाद ये देख सकते हो मैंने भाई इसको और भी फिक्स मजबूत के लिए मैंने इस तरह से भाई लकड़ी का यूज़ किया है। आप बोलेंगे कि भाई ये क्यों बना रहा है, भाई ये जो आगे वाली मोटर रहती है हम आगे बनाने वाली है ऊपर साइड में उसके लिए ये हमें भाई वैसा करता है कि डायरेक्ट हम मोटर में फिक्स कर देते हैं। तो मैं ये बना रहा हूँ, आप नहीं बनाओ तो चलेगा, अगर आपने ये नहीं बनाया तो भाई आपको बहुत मुश्किलें आएगी। तो देख सकते हो मैंने इससे अच्छे से फिक्स कर दिया है, ये देख सकते हो इस तरह से मैं, तो ये देख सकते हो अभी इसमें फिक्स करेंगे। फिक्स करने से पहले ये दो वायर निकले, इसके लिए हम छेद करेंगे इस तरह से, हम इधर में छेद करेंगे। आप छेद भी करना आपको वही बोलना पड़ता है क्या, आप कर लोगे उतना कि मुश्किल नहीं है। अब इसको इस तरह से लगाने के बाद इसमें से दो वायर निकालेंगे। ये देख सकते हो मैंने ये वाला कंप्लीट कर दिया है, इसके आगे वाला हम बनाएंगे। तो भाई इसको जल्दी बनाने से पहले ये देख सकते हो हमें ये वाला आपको पता ही होगा मैंने आगे बताया है, ये वाला ही लेना है, इसको छेद करना है। उतना ही करना है कि जो मैंने कॉपर का पाइप लगाया है, जो हमारे सिस्टम लगाया है, उससे भाई अच्छे से फिक्स होना चाहिए, उसके साथ ही घूमना चाहिए। आपको इसको फिक्स करना है, फेविक्विक के मदद से मैं इसको फिक्स कर दूंगा। इसको चिपकाने के बाद ये देख सकते हो मैंने ऊपर की साइड में जो मोटर है उसके लिए मैंने दो वायर का सोल्डरिंग कर दिया है। इसको दो वायर मैंने इधर से निकाला है, ये देख सकते हो इस तरह से। अब ये वाले में पॉइंट भी बनाकर रखा हूँ क्योंकि भाई आपको बोर नहीं हो जाओगे आपको भाई बनाते वक्त, तो भाई वीडियो भी देखते वक्त आप बोर नहीं हो जाओगे। इस तरह से मैंने बना लिए, इसके आगे साइड में भी बना लूँगा मैं। तो इस मोटर के लिए भाई ये देख सकते हो मैंने जो अंदर का कार्डबोर्ड होता है उसका मैंने दो छेद निकाले थे, उसके आपस में भी छेद निकालेंगे भाई, इसके सामने में छेद निकालना है। इस तरह से मैं निकालूंगा, आप देखो मैं किस तरह से लगाता हूँ। ये आपको एक साइड में मोटर फिक्स कर देना है और दूसरे साइड में भी आपको मोटर नहीं फिक्स करना है। मैं एक ही मोटर लगा रहा हूँ, आप दो लगा सकते हो। मैं क्यों नहीं लगा रहा भाई, लोड पड़ सकता है, जो मैंने नीचे मोटर लगाई उस पर लोड पड़ सकता है। कुछ इस तरह से मैंने इसको चिपका दिया है। अब इसको भाई इस तरह से भाई चिपकाने से पहले हम इसमें सोल्डरिंग कर लेंगे भाई, मैं जल्दी सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो इसको इस तरह से भाई अच्छे से चिपका देंगे, आपको नीचे ऊपर नहीं चिपकाना है, जो सामने का जो रहता है आपस में मैच होना चाहिए। जैसा हम लेजर पढ़ते हैं आगे की साइड में जाता है वैसा ही आपको ध्यान रखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसकी कटिंग और फिनिशिंग भाई पूरा कर लिया है, ये देख सकते हो। अभी इसकी भाई कलर भी कर लिया है, ये सुकर भाई रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो भाई इस तरह से। अब ये भाई इसको भाई अब इसका आगे की साइड में मुंह बना रहे हैं, ये देख सकते हो इसके आगे की साइड में बॉडी तो हो गया है। इसके आगे की साइड में जो LED का बनाएंगे वो उसको बनाना शुरू करते हैं। ये देख सकते हो मैंने इस तरह से भाई शेप का लिया है, ये देख सकते हो आपके पास होगा, मेरे पास था इसलिए मैंने नहीं बनाया। आपको जैसा मेरे देख रहे हो आप वैसा ही आपको शेप लेना है, आपके हिसाब से आप शेप ले सकते हो भाई। कुछ भाई फोटो भी सेव हो रहे होगे आपके, देखो स्क्रीन पर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये देख सकते हो जो लाल वाला है मैंने इस LED का यूज़ किया है, ये वाला ये देख सकते हो इससे ही निकाला है भाई, अच्छे से लुक आएगा। और ये वाली LED भी उसमें से ही निकाला है मैंने भाई। शार्पी का आगे जाता है, जो आगे भाई जाता है वो भाई आपको आगे देखो भाई किस तरह से लुक आता है, मैंने इसका यूज किया है। इसके अंदर की साइड में इस तरह से भाई फिक्स हो जाएगा, मैंने सारी आपको कनेक्शन कर देता हूँ। स्विच भी मैंने इस तरह से लगाया है, LED के लिए स्विच लगाया है ऑन ऑफ के लिए, मैं सारा सिस्टम इसमें ही बना रहा हूँ। ये देख सकते हो मैंने LED लगा दी है, और इसके तो बैटरी जो मैंने पावर चार्जर का भी बनाई है वो सब इसमें लगा दिए। आपको समझाना क्या भाई, आप बना लोगे भाई, मैंने इतने सारे वीडियो में आपको कनेक्शन समझा दिए, आप बना लोगे। ये देख सकते हो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके पीछे साइड में चार्जिंग सर्किट लगाई है,
40-56 लगा है, ये देख सकते हो इस तरह से आप बना सकते हो। ये बनकर रेडी हो चुका है, अभी इसकी टेस्टिंग के बारे आ चुकी है, तो चलिए इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं आप किस तरह से भाई वर्किंग करता है। देख सकते हो कुछ इस तरह से भाई वर्किंग कर रहा है भाई, इसको कंट्रोल भी करना होता है, वैसा नहीं है कि बना लो और उसको भाई, ऐसा नहीं है कि इसको पावर दो भाई अपने आप चालू हो जाए भाई, इसको कंट्रोल भी करना पड़ता है भाई। इसका कंट्रोल वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल पर भी है भाई। ये कंट्रोल सिवा चलता नहीं है इधर उधर और आगे की साइड में, जो कंट्रोल मैंने बनाया है उसको भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। आप इसको बनाना चाहते हो तो भाई कंट्रोल को पहले बनाओ, भी इसे बनाओ, मैं कंट्रोल वाला वीडियो बनाकर रखा हूँ, उसको जाकर देख लेना। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।